अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूं। तो जी, मैं अपने व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट लेके हाज़िर हो गया हूं आपके साथ एक बार फिर से। तो जी, मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है? तो जी, जैसा कि आप जानते हैं, व्लॉग लाहौर सेप्टाबाद से रिलेटेड है। तो जी, हम ये चेयर लिफ्ट की तरफ जाते हुए, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो जी, गाँव में बच्चा बैठी हैं या सन सामने साटे रोड पे बैठी हुई थी। जी, हमने साइड से ज़रा गाड़ी निकाल ली। डेंजरस रोड थे कुछ थोड़े बहुत, लेकिन इतने भी डेंजरस नहीं थे जिस तरह के कश्मीर वगैरह के डेंजरस रोड आते हैं, लेकिन इधर के इतने डेंजरस रोड नहीं थे। ये जी, हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जिसका मुझे इंतज़ार था। तो जी, यहाँ पे आके मैं बहुत बोर हो रहा था क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया हुआ था। इधर उधर देख रहा था मैं कि शायद कोई नज़र आ जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ हम आए थे। हम चार लोग आए थे अभी यहाँ पे, सिर्फ चेयर लिफ्ट भी नहीं चल रही थी क्योंकि चार लोगों के लिए वो चला नहीं सकते थे चेयर लिफ्ट। जैसे ही हम आनी थी फिर ही चेयर लिफ्ट चलनी थी। तो जी, हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, वीडियोस बनाई, व्यूज़ को कैप्चर किया, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ थे। तो जी, यहाँ पर मैं रेडी हो चुका था, कपड़े वगैरह चेंज किए और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जी, यहाँ पर मैं वेट करता हुआ टिकट का, तो ये आ चुकी है हमारी टिकट जो कि हम बाय करके अभी जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। तो जी, अभी हम बैठ चुके हैं चेयर लिफ्ट पे, रवाना हो चुके हैं और मेरा दिल धक 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 कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये चेयर लिफ्ट 5 किलोमीटर लंबी थी, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आ रहे थे। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ से इसमें नीचे की तरफ जाना था, गहराई की तरफ। तो जी, यहाँ पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाई, हिम्मत की थोड़ी। तो जी, फाइनली हम लिफ्ट से उतर चुके हैं और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हुए हाइकिंग करते हुए थोड़ी सी हाइकिंग की। उसके बाद हमने देखा जी, नीचे तो नदी थी छोटी सी एक बहती हुई, तो हमने सोचा नदी की तरफ क्यों नीचे जाया जाए, ऊपर तो कुछ था नहीं। तो हम नीचे की तरफ भागे जल्दी जल्दी से, नीचे की तरफ गए। सुबह सुबह का टाइम था, अभी 8 से 9 बजे थे। तो जी, हम ये नीचे नदी की तरफ जाते हुए, काफ़ी लोग भी आ चुके थे हमारे साथ, पीछे पीछे हमारे फैमिलीज थी, फ्रेंड्स वगैरह थे, काफ़ी लोग आ चुके थे। तो ये हम नदी की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। तो जी, ये आ चुका है जी पानी नदी का, जो कि बहुत ज़्यादा चिल पानी था जिसको मैंने हाथ डाला, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बहुत चिल पानी था। तो जी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, शूज़ वगैरह उतार के रखे पानी में, थोड़ी देर पाँव डाल के बैठे जी, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन पानी बहुत ठंडा था भाई, सुकून मिल रहा था पानी में, बहुत मज़े का पानी था। और जो हमने पिया भी था पानी, हमने जहाँ ऊपर से पानी आ रहा था ना, वहाँ पे जाके हमने पानी भरा, उसके बाद पिया इस पानी को। पानी बहुत ज़्यादा मीठा और मज़े का था, डिफरेंट टेस्ट था इस पानी का, बहुत मज़े का पानी था ये। तो जी, हमने इस पानी को बोतल में भरा और उतने साथ लेके गए। उसके बाद जी, हम वापसी के लिए चल पड़े हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ गई जी पिंग, तो जी मैंने यहाँ पे पिंग ली। पिंग लेने के बाद जी, हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और उसके बाद जी, हम वापसी के लिए बैठ चुके हैं चेयर लिफ्ट पे। तो जी, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, 5 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा लंबी चेयर लिफ्ट है। काफ़ी लोगों को इस चेयर लिफ्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता क्योंकि ये न्यूली बनी है। तो जी, मेरे नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें जी, फाइन सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।